हो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सुबह के 8:30 बजे और अभी भी मैंने नहा लिया है। अभी मीडिया नहीं हुई, दूध गर्म करके रखा है। दूध जल्दी से आ गया था, 7 बजे आ जाता है, तो दूध गर्म करके रखा है। अभी चाय नहीं बनी है। आज दिन गुरुवार का है, डेट है 27 जनवरी और सारे क्लीनिक के काम यहाँ से हो चुके हैं। और धीमे धीमे से धूप आने लगी, मगर पूरे घर में अंधेरा सा हो जाता है सुबह के टाइम। वो क्या होता है, धूप सामने से आती है, फिर कैमरे के ऊपर धूप गिर जाती है, इसी वजह से सही से कुछ दिख नहीं रहा है। तो सारी लाइटें ऑन करके मैं वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर भी ये देखिए, एक बड़ी वाली लाइट मैंने ऑन कर दिया है यहाँ पर, और में भी लाइट ऑन है। तो सुबह टाइम कुछ ऐसा हो जाता है और दिन भर में ऐसा ही हाल है। यहाँ पर ये देखिए, सामने से धूप आ रही है तो कैसे चमक रही है ना, तो ऐसा हो जाता है। तो दूध गर्म करके रखा है, चाय नहीं बनी है, चाय बना लेते हैं। और दिनेश स्कूल गया है मॉर्निंग क्लास के लिए, तो उसको पोहा बनाकर दे दिया। दीपक ने भी पोहा ही खा लिया है, दवाई लेनी थी उसे, उसने भी पोहा खा लिया है। और आज थोड़ा सा दीपक की तबीयत में थोड़ा सा सुधार है। उसकी सुई वगैरह कल निकाल कर ले आए हैं, जो स्लाइन इंजेक्शन खत्म हो गए उसके, 3-4 दिन का कोर्स हो चुका है वो, तो आज निकाल लिया है। तो अभी दीपक ने नहाया नहीं है। और कॉलेज तो अभी 2 दिन जाने से मना किया है, अभी 2 दिन तो कॉलेज नहीं जाएगा, थोड़ा सा रेस्ट ही करेगा। तो मैं दाल चावल बना लेती हूँ, फिर चाय बना लूँ, फिर दाल चावल रख देती हूँ, फिर पूजा होगी, साथ सारे काम करने होंगे। और आजकल मैं थोड़ा सा लेट ही उठ रही हूँ, इसी वजह से जल्दी से काम हो नहीं पा रहे। दीपक कॉलेज जाने वाला रहता है तो उसे टिफिन बनाकर दे देना होता है, इसी वजह से जल्दी से जग जाती हूँ। मगर अब नहीं, अब 6 बजे जग रही हूँ, इसी वजह से सारे काम क्लीनिंग के काम करने में ही टाइम लग जाता है सुबह के। फिर नहा कर आ जाने में मुझे 8-8:30 बज जाते हैं। फिर अब चाय वाय बनाएंगे, फिर पूजा करेंगे, फिर खाना वाना बनाएंगे, ऐसा करते करते 12-1 पता नहीं कब बज जा रहे हैं इन कामों में। तो चलिए फटाफट से लग जाते हैं। और पापा जी की तबीयत भी थोड़ा सा सुधार है, उन्हें भी कल हॉस्पिटल लेके गए थे, तो दवाई ववाई इंजेक्शन दे दिया है, तो आज थोड़ा सा उन्हें भी आराम है। और मेरा भी सही हो गया, सब जुकाम वुकाम सब चला गया और आवाज़ पहले जैसे एकदम नॉर्मल हो गई है। जब तक चाय बन रही है तब तक दाल धुल कर रख देती हूँ, साथ ही साथ सारे काम हो जाएंगे। अभी पूजा भी करनी है और बिना चाय पिए हुए कोई काम हो नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। तो थोड़ी सी अदरक वाली चाय पी लेना तो थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा और एनर्जी आ जाएगी काम करने में। तो यहाँ पर अरहर की दाल धुल कर ले ली है। जब तक ये दाल वगैरह धुल कर ले रही थी तब तक चाय भी बन चुकी है। तो किचन में ना साथ ही साथ काम करने से बहुत जल्दी से काम हो जाते हैं। अगर एक एक करते रहेंगे ना तो बहुत लेट हो जाएगा, फिर जल्दी से काम हो भी नहीं पाएंगे और हमें आलस आ जाएगा। तो किचन में साथ ही साथ काम करने चाहिए। चाय पीकर पूजा कर ली है। और इस वक्त स्वास्तिक के फूल बिल्कुल नहीं लग पा रहे, तो इस तरह से गुलाब के फूल लगाए हैं, वाइट वाले, और थोड़े से मार्केट से भी मंगवा रही हूँ। बिना फूलों की पूजा अधूरी है, अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। तो स्वास्तिक के फूल नहीं लग पा रहे, तो इसी वजह से मार्केट से थोड़े फूल ले आते हैं, शेवंत वगैरह के, फिर गुलाब के जो यहाँ पर लग जाते हैं वो। दीपक ने गर्मा गर्म दाल चावल खा लिए हैं और यहाँ पर कंप्यूटर पर लगा है। थोड़ी देर पढ़ाई भी कर लेता है, थोड़ा सा होमवर्क भी कर लेता है, थोड़ी देर टीवी देख लेता है, थोड़ा सा मोबाइल में लगा रहता है, थोड़ा सा कंप्यूटर पर। तो कुछ ऐसे काम इसके चल रहे। बोर होता है इसे घर में, और वैसे कॉलेज में इनका दिन चला जाता है दोस्तों के साथ, और घर में ना थोड़ा सा बोर हो जाता है। हमारे पास तो बहुत सारे काम हो जाते हैं करने के लिए, बच्चों के पास कोई काम नहीं रहते, घर में क्या काम करेंगे बच्चे। तो थोड़ी देर पढ़ाई कर लेता है, फिर बोर होने के बाद फिर इधर उधर थोड़ा सा कंप्यूटर पर, थोड़ा सा टीवी, ये वो करने लगता है। अगर दिनेश घर में रहता ना तो बिल्कुल बोर नहीं हो पाता इन्हें। दोनों के झगड़े भी चलते, बीच बीच में इनके मस्ती भी चलती, और क्या करें अब। तो टावेल वगैरह सारे सुखा दिए हैं, जैसे गीले गीले टावेल इधर उधर रख देते हैं सभी ये नहाने के बाद, फिर सारे ढूंढ के मुझे सुखाने पड़ते हैं। तो सारे टावेल वगैरह सुखा दिए और यहाँ पर चाय बना ली है। आप सोचते होंगे कितनी चाय पीती हूँ मैं, मगर नहीं, थोड़ा सा आलस आ जाता है इस टाइम। सुबह के टाइम एक बार चाय पी लेती हूँ, फिर कपड़े वपड़े धोने से पहले एक बार चाय पी लेती हूँ, बहुत आलस आ जाता है मुझे। चाय पीने से एक अलग सी एनर्जी मिलती है। अब दोपहर का टाइम है, और डेली वाले सारे काम मेरे निपट चुके, जैसे किचन के सारे बर्तन वगैरह, कपड़े धुलने, सब काम हो चुके हैं। यहाँ पर मैं बना रही हूँ बाती, और बाती बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। बाती बनाकर रख दी है, जब भी खाली टाइम मिल जाता है तो मैं बाती बनाकर रख देती हूँ। और दिनेश आ चुका है, अभी जाने वाला है, बस 15 मिनट का ब्रेक मिल चुका है तो आ चुका है। आने के बाद ट्यूब लेके बैठा है, और दीपक ने थोड़ी देर होमवर्क कर लिया है, फिर से कंप्यूटर पर लगा है। और ये प्रसाद ये शिरडी से ले आए थे ना, तो मैंने अभी तक तो खोला नहीं था, आज खोला है। आज गुरुवार का दिन है और ये मंदिर भी जाते हैं, तो प्रसाद मंदिर के लिए भी निकाल कर रख दूँगी और सबके लिए बांट भी दूँगी यहाँ पर, और हम भी खा लेंगे। अभी हमने भी नहीं खाया है, तो गुरुवार का ही वेट करी थी मैं, गुरुवार के दिन खोलूँगी तो मंदिर के लिए भी हो जाएगा, सब तरफ देने के लिए भी आ जाएगा। तो यहाँ पर प्लेटों में या आजू बाजू घरों में देने के लिए सब एक थोड़ा थोड़ा करके प्रसाद डाल दिया है इस प्लेटों में, और ये कवर में मंदिर के लिए पैक करके रख दिया है। कम कर दी है, मैं गाने सुन रही थी। जब भी कुछ काम थोड़ा सा कम हो जाए या फिर मूड ऐसा ही हो जाए तो टीवी ऑन करके मैं गाने चलाती हूँ। मुझे बहुत पसंद है गाने देखना, सुनना अच्छा लगता है, देखने से भी ज़्यादा सुनना अच्छा लगता है। म्यूजिक सुन लूँ ना तो मन फ्रेश हो जाता है। अगर मैं थोड़ा सा मेरा मन ऐसा उदास भी हो जाए ना, थोड़ा सा म्यूजिक सुनने से अच्छा लगता है। तो शाम के 5 बज रहे और दीपक सो रहा है। वो दोपहर तक तो ठीक ही था, फिर अभी भी उसे बैठे था, जहाँ बैठा था वहीं पर सो रहा था, तो उसे जगा कर अंदर सुला दिया है। उसे नींद आ रही है शायद। बच्चे कॉलेज में जाते हैं तो एंजॉय करते हैं, घर में अकेला बेटा बेटा बोर हो रहा है, वहीं पर बेटा बेटा सो जा रहा है। थोड़ी देर होमवर्क कर लेता है, थोड़ा देर कंप्यूटर पर लग जाता है, थोड़ी देर टीवी देख लेता है, फिर बाद में वहीं पर बैठे बैठे सो जाता है। तो सो रहा है, उसे आराम करने देते हैं। और मैं यहाँ पर खिचड़ी बनाने के लिए चावल ले लिए, पुलाव बनाने के लिए। आज गुरुवार है तो ये मंदिर जाएंगे, और शिरडी से जो प्रसाद लाए थे वो भी आज ही मैंने खोला है, उसकी पूजा करके मंदिर के लिए पहले पैक कर दिए, फिर आजू बाजू में दे दूँगी, फिर घर में खा लेंगे। प्रसाद घर में खाया नहीं जाता है, प्रसाद बांट के खाते हैं। तो यहाँ पर ये चावल, ये जो चावल है पुलाव बनाने है इसके, तो इसे भिगो कर रख दूँ ताकि ये पुलाव एकदम अच्छे से नरम बन जाए। मंदिर में बच्चे भी आते हैं तो नरम पुलाव हो तो अच्छा होगा। अभी मैंने फ्रेश भी नहीं हुआ है, झाड़ू लग चुके हैं, तो ये चावल धुल के भिगो कर रख दूँ, फिर फ्रेश होकर आ जाऊँगी, फिर पुलाव बना लेंगे। तो चलिए चावल पहले मैं धुल देती हूँ, थोड़ा सा फटक लो, थोड़ा सा जो भी इसमें का धुल सा है वो सारा चला जाए। चावल फटक लिए हैं, जो भी धूल वगैरह है सारी चली जाती है फटकने की वजह से। तो मुझे कुछ अलग बर्तन मिल नहीं रहा था, तो एक कढ़ाई में मैंने चावल इस तरह से डालकर धुल ले रही हूँ। 3 से 4 बार अच्छे से चावल को धुल कर इसमें पानी डालकर रख दिया है, और एक कढ़ाई इधर उधर लुढ़क रही थी तो नीचे प्लेट रख दिया है। और दिनेश आ चुका है, अब 6 बज रहे, और यहाँ पर पास में स्कूल है ना घर के पीछे ही, तो ये जब मन करे तब आ जाता है। इसे जब भी छोड़ देते हैं ना तो आ जाता है, घर पर आके चला जाता है। और दीपक सो रहा है तो इसे जगा रहा है, बोल रहा है कि क्यों सो रहे हो इस वक्त। तो ये तो उठ नहीं रहा है, इसके ना पैर में, पूरे बदन में पेन हो रहा है दीपक के, इसी वजह से ये सो रहा है। और दीपक दिनेश दोबारा से स्कूल चला गया है। फ्रेश होकर मैं आ गई हूँ, और यहाँ पर सारी काटाकुटी कर लिए। और मैं मेथी की सब्ज़ी डालकर पुलाव बनाऊँगी, बहुत टेस्टी लगता है, आपको भी ट्राई करके देख लेना, बहुत टेस्टी लगता है। यहाँ पर ये मेथी काट ली एकदम बारीक, हरा धनिया, आलू और ये हरी मिर्च, और यहाँ पर ये लहसुन अदरक का पेस्ट, और टमाटर नहीं है, टमाटर खत्म हो गया है और मैं बताना भूल गई, तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ, मेथी से भी डाल के बहुत टेस्टी लगता है। तो चावल भी अच्छे से भीग चुके आधे घंटे तक, तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। 1 से 1.5 किलो चावल के लिए बड़ा पतीला ले लिया है। कुकर में भी बन सकते थे मगर मैं पतीले में बना ले रही हूँ। कुकर में ना सारे मसाले जो है ऊपर की तरफ आ जाते हैं और कुकर पूरा टप टप भर जाता है इतने चावल से, इसी वजह से पतीले में कर रही हूँ। जब कुकर भर जाएगा और मसाले ऊपर आ जाएंगे ना, फिर मिलाने भी नहीं आएगा, इतना टप टप कुकर भर जाएगा। तो पतीले में अच्छे से खिले खिले से हमारा पुलाव बन जाएगा। तो आप पर ऑयल ले लिया है 3 से 4 चम्मच। इसमें राई और जीरा डाल दिया है। राई जीरा चटकने के बाद डालिए लौंग, इलायची और क्या दालचीनी टुकड़ा, ये सब डाल के अच्छे से भून लिया है। फिर बाद में डालिए लहसुन अदरक डाल के अच्छे से भून लिया है। फिर बाद में डालिए कटी हरी मिर्च, और हरी मिर्च इस तरह से मैं लंबे जैसे बीच में कट लगा कर फिर उसे लंबा लंबा काट लेती हूँ ताकि बच्चे के मुँह में जा ना पाए। ऐसे लंबे लंबे डालेंगे तो बच्चे निकाल सकते हैं, छोटा छोटा काट कर डालेंगे तो बच्चों को दिखेगा नहीं, खा लेंगे फिर उन्हें तीखा लग सकता है। इसी वजह बाद में डाला है कटा आलू, डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब डालेंगे हम इसमें मसाले, तो मसालों में 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, ये डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे इसमें कटा हरा धनिया और ये मेथी। मेथी की जो खीर हम पुलाव बना रहे हैं ना, बहुत टेस्टी बनता है, आप कभी बना कर देख लेना, बहुत स्वादिष्ट बनता है। फिर बाद में डालिए थोड़ी सी मूंगफली, बिल्कुल आधी कटोरी डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। और मेथी इस तरह से सिकुड़ने तक हमें भून लेनी है अच्छे से। तो मेथी अच्छे से सिकुड़ चुकी है, मतलब पक चुकी है। फिर बाद में डालें पानी, पानी थोड़ा सा डाल के तुरंत ढक कर रख देंगे ताकि इसका जो स्वाद है वो बाहर ना जाए। फिर बाद में डालें पानी, और ऊपर से डाला है आधा चम्मच गरम मसाला, आधा 1 चम्मच सुहाना मसाला, ये डाल के ढककर रख देंगे इसमें उबाल आने तक। तो ये देखिए इसमें अच्छे से उबाल आ चुके हैं। अब डालेंगे हम ये भीगी हुई चावल डाल के मिक्स करके ढककर रख देंगे। और थोड़ी देर बाद देखिए पुलाव बन चुका है। अब जो भी मसाले इसके ऊपर आए थे सारे मिक्स करके धीमी गैस पर ढककर रख दिया है। यहाँ पर आरती भी हो चुकी है और पुलाव भी बन चुका है। तो पैक करके दे दिया है, मंदिर के लिए जाने वाले हैं। यहाँ पर आरती हो चुकी है, तो आरती होने के बाद चाय पी के चले जाते हैं मंदिर। और इस वीडियो को मैं ब्रांड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी वीडियो आपको